कि 10 लोगों का परिवार है, अपनी अपनी कार है, हर कोई यहाँ पर मौन है और सबके हाथ में फोन है। आज के जो हालात हैं कि 10 लोगों का परिवार है, अपनी अपनी कार है, हर कोई यहाँ पर मौन है, सबके हाथ में फोन है और शेयर करने का शौक है, लेकिन फोन सबके लोग हैं, कमेंट सबके आते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन तो ये ठीक है, अपनी अपनी पसंद है, लगाते हैं। मैंने कभी फ़ोन को लॉक नहीं लगाया, तकरीबन उस घटना के बाद जब मेरी गुड़िया गई थी, उसके बाद मैंने कभी फ़ोन पर लॉक नहीं लगाया। गूगल पे पर तो लगाया है, लेकिन फ़ोन पे नहीं लगाया मैं, कभी लॉक नहीं लगाता। और मेरे घर में जितने फ़ोन हैं उन पर मैं कभी लॉक लगाने भी नहीं देता, क्योंकि जो चीज़ छुपानी पड़ जाए तो समझ ले वो कहीं ना कहीं गलत है। जिस चीज़ के ऊपर आप पर्दा हमेशा कब डाला जाता है, जब कुछ ऐसा किया जाए जो समाज में मान्य नहीं है, इसलिए मैंने कभी फ़ोन नहीं लगाया। तो सुनिएगा कि 10 लोगों का परिवार है, अपनी अपनी कार है, हर कोई यहाँ पर मौन है, सबके हाथ में फ़ोन है, शेयर करने का शौक है, लेकिन फ़ोन सबके लोग हैं, खोए हैं सब चांद सितारों में, जीवन में सैर सपाटा है, सब तरक्की के पीछे भाग रहे हैं, कि सोए हैं खोए हैं सब चांद सितारों में, जीवन में सैर सपाटा है, और इतने मानस हैं घरों में, बरामदे में क्यों सन्नाटा है। यही हालात हैं आज हर जगह, कि इतने मानस हैं घरों में, बरामदे में क्यों सन्नाटा है, देहली पर ना कोई बच्चा बैठा। देहली होती है जब आप घर में एंट्री करते हैं, पहले क्या होता था, देहली पर बच्चे बैठे रहते थे, कि देहली पर ना कोई बच्चा बैठा और ओखली की कुटकुट भी ना है। ओखली समझते हैं ना, हाँ समझते ही होंगे, कि देहली पर ना कोई बच्चा बैठा, ओखली की कुटकुट भी ना है, और मम्मी मम्मी की आवाज़ है बस, पता करो इस कहाँ इस घर की माँ है। थैंक यू कि देहली पर ना कोई बच्चा बैठा, ओखली की कुटकुट ना है, मम्मी की आवाज़ है बस, पता करो कहाँ इस घर की माँ है। कोई बच्चा रो नहीं रहा, सब स्याणे हो गए क्या? स्याणे का मतलब होता है बुद्धि से नहीं, उम्र से बड़े हो जाते हैं जब उनको गांव में स्याणे बोलते हैं, कि कोई बच्चा रो नहीं रहा, सब स्याणे हो गए क्या, ऑनलाइन भी दिख नहीं रहा कोई, पता करो सब सो गए क्या, ऑनलाइन भी दिख नहीं रहा कोई, पता करो सब सो गए क्या, रात तो अभी चढ़ी भी नहीं, जागते जागते खो गए क्या, और जिस मखमल के गद्दे पर तुम सोए हो, ये धोधारी तलवार है, घर तो आलीशान दिख रहा, ये बीच में क्यों दीवार है, घर तो आलीशान दिख रहा और ये बीच में क्यों दीवार है, और दो साथ बैठे कभी दिखे नहीं, और सुनने में आया कि 10 लोगों का परिवार है, दो साथ में बैठे कभी दिखे नहीं और सुनने में आया कि 10 लोगों का परिवार है।